प्यारे विद्यार्थियों, आपका लेसन नंबर 4 में सबका स्वागत, वेलकम यू ऑल इन लेसन नंबर 4। इस लेसन में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इससे पहले मैंने 3 लेसन डिलीवर किए हैं। लेसन 1 में हमने 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था। उसके सेकंड लेसन में हमने वर्ड एंड सेंटेंस, एंड थर्ड लेसन में हमने सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, SOV एंड SVO फार्मूला, इसके बारे में डिस्कशन की थी काफ़ी एग्जांपल्स लेकर। और आज इस लेसन में हमारा मुख्य विषय जिस पर हम बातचीत करेंगे वो रहेगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, हम खोजेंगे सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। किसी सेंटेंस वी सर्च फॉर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। उसके पश्चात हम सेंटेंस के अंदर कि सब्जेक्ट के वर्ड्स कितने हैं और प्रेडिकेट पार्ट के कितने वर्ड्स से मिलकर बना है, उसके हम काउंटिंग करेंगे नंबर्स कि दोनों में अलग अलग से कितने कितने वर्ड्स हैं, उसके हम बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करूंगा कि मैंने 3 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं अपनी यूट्यूब चैनल में डाले हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड बन गया, सभी इसको देखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे बच्चे इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मेरे को फरीदाबाद से श्री विजय कुमार, रिटायर्ड एयरफोर्स ब्रांड ऑफिसर, उनका मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया। तो मैसेज क्या था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैसेज एज इट इज कन्वेड, आई हैव गोन थ्रू ऑल द वीडियोज, व्हाट इज़ अ वर्ड, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, बट नो वर्ड इज़ कम्प्लीट विदाउट वोवल, देर आर सम एक्सेप्शंस, ए एंड आई आर कम्प्लीट वर्ड्स हैविंग नो कॉन्सोनेंट, वाई इज कॉल्ड हाफ वोवल, वर्ड्स वाई एंड माई आर कम्प्लीट विद वाई, दीज सजेशंस कैन बी टॉट एट द लेटर स्टेज, देयरफॉर देर आर सम मोर वर्ड्स विद वाई एंडिंग लाइक फ्लाई, शाई, ड्राई एटसेट्रा, सो इट इज़ बेटर टू टीच वाई एज वोवल, टेक केयर इन फ्यूचर। एंड बट आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया, थैंक्स अ लॉट रिस्पेक्टेड सर फॉर अपडेटिंग मी, कीप अपडेटिंग मी इन फ्यूचर टू, इफ एनीवन वांट्स टू सजेस्ट मी एनीथिंग दे आर फ्री टू डू सो, आई विल वेलकम देयर ओपिनियंस हैप्पीली, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट टू अरेंज ह्यूमन, थैंक्स ऑल हु व्यू माई वीडियोज एंड स्पेयर मोमेंट्स ऑफ देयर प्रेशियस टाइम टू सजेस्ट मी। इंग्लिश इज सच ए वास्ट लैंग्वेज that if someone like to teach a small term in detail, at least 2 or more such videos are required to be made. I am of the opinion if English language is equal to a sea, agar English jo bhasha hai ek samundar ke barabar isko mana jaye, then butter I discuss just a drop of it. I keep in mind while uploading a video that my viewers are also students of 6th क्लास टू 10+2 लेवल, छठी से लेकर 12वीं तक बच्चे को हम आजकल टीच कर रहे हैं। सो समटाइम जस्ट ए सिंपल आइडियाज गिव टू देम, उनको बड़ा ड्रिल में नहीं बताया जाता, छोटा सा आइडिया दिया जाता है ताकि दे आर ऑल्सो सजेस्टेड टू कंसल्ट ग्रामर एंड टीचर्स इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन। इस लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही मन में आया कि क्यों ना बच्चों के साथ ऑनलाइन टीचिंग के जरिए जुड़ा जाए। बहुत हैरान हूँ मैं कि बच्चे बहुत ही बढ़िया ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो उनको होमवर्क दिया जाता है बहुत ही बखूबी से करते हैं। तो ये मेरा मैसेज था, कोई और कुछ सेशन देना चाहे, मुझे मैसेज देना चाहे, तो उसको मैंने अपने वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर दिया करना। अब आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा सेंटेंस के बारे में दोबारा बताऊँगा। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज कंप्लीट सेंस, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऐसा
अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है जिससे कोई ना कोई एक पूरा मतलब निकले। एग्जाम्पल ली सीता इज रीडिंग ए रिलीजियस बुक एंड सेकेंड इज अ रिलीजियस बुक इज रीडिंग सीता। ये मैंने दो सेंटेंस लिए, दो ऐसे लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिए। सीता इज रीडिंग ए रिलीजियस बुक दैट इज मेकिंग सम सेंस, कंप्लीट सेंस, दिस इज सेंटेंस। एंड सेकेंड इज सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए रिलीजियस बुक इज रीडिंग सीता, दिस इज मेकिंग नो सेंस, सो दिस इज नॉट ए सेंटेंस। आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टू पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस के पार्ट्स दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। बेसिक टाइपिंग बहुत होती है, बड़ा कुछ होता है, पर सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं वो मेन मुख्य भाग सिर्फ दो होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पर, उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। सीता इज रीडिंग ए बुक। अब आ रही आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक कर्ता हो सकता है, करने वाला। तो इस सेंटेंस में सीता इज रीडिंग ए बुक, सीता एक किताब पढ़ रही है, तो सीता यहाँ पर काम करने वाली सीता है, तो सीता इज सब्जेक्ट। एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो स्वेट के बारे में कहा जाए, जितनी मर्जी बातें की जाएं, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, जो स्वेट निकाल के जो भाग बच जाए उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। सो इन दिस सेंटेंस सीता इज रीडिंग ए बुक, इज रीडिंग ए बुक इज प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अब सेकेंड एग्जाम्पल ली मैंने, ही इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर सेंटेंस में कि वह एक अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा लड़का वो काम नहीं जान कर रहा। मैंने पीछे आपको बताया कि डोर इज द सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में वो कोई भी काम नहीं कर रहा, तब ये क्या होगा, ही क्या होगा? तो देखिए, सब्जेक्ट या तो डोर होगा या अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में कोई चीज़ बोली जाए, जिसके बारे में कोई बातचीत की जाए, उसको भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि ही इज़ ए गुड बॉय, कि भाई एक अच्छा लड़का है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ही इज़ सब्जेक्ट ही है। सब्जेक्ट दो चीज़ों से हो सकता है, या तो करते और करता होगा, या जिसके बारे में कोई बात की जाए उसका हम सब्जेक्ट बोलेंगे। एंड प्रेडिकेट किसको बोलेंगे? व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट उसको बोलते हैं जिसका जो सब्जेक्ट इसके बारे में सब्जेक्ट जो व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बातचीत की जाए उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, अगर सब्जेक्ट को हटा दी जाए, निकाल दी जाए, जो बाकी सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स, इतने जो कुछ बचता है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इन द सेकंड एग्जांपल, ही इज़ अ गुड बॉय, इज़ अ गुड बॉय इज प्रेडिकेट एंड ही इज़ द सब्जेक्ट। एंड इन द फर्स्ट, सीता इज सब्जेक्ट एंड इज़ रीडिंग अ बुक इज़ प्रेडिकेट। मेरे ख्याल आपको ये सारा अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि अपने वीडियो में एनिमेशन के थ्रू, अपने पावर पॉइंट के थ्रू अच्छी सी प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूं। वैसे मेरा ये मानना है, किताबें भी होती हैं, हर चीज़ किताब के अंदर लिखी होती है, टीचर भी होते हैं, मगर कोई टीचर पढ़ाता कैसे है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयत्न किया है कि बच्चे इस एनिमेशन, इस पावर पॉइंट मेथड को अच्छा समझेंगे, अच्छा इसे अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे। इस कंप्लीट ना माना इसको माना जाए, मैं जो पढ़ाता हूँ आप ग्रामर में डिस्कस करिए, अपने बड़े से डिस्कस करिए, और कहीं आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है, कुछ गलत पढ़ाया गया, तो आप यू कैन टेल मी, मुझे बता सकते हो, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उसको करेक्ट कर सकूँ। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में अब हम क्या काम करेंगे? पहले तो हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने की कोशिश की, ये भी हम कोशिश करेंगे। अब हम निकालेंगे इस सेंटेंस के अंदर से सब्जेक्ट निकालेंगे, प्रेडिकेट निकालेंगे, हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे एंड मेन वर्ब निकालेंगे। मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन की बात अभी नहीं की, क्योंकि आगे जाकर हम इसकी बात करेंगे, मगर ऐसे ही ऐसे मान लिया जाता कि कितना आपको पता है
एक जनरल सी डिस्कशन है, आगे जाकर हम बड़ी भारी डिस्कशन इसके ऊपर करने वाले हैं। माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज माई यंगर ब्रदर सर्व्स इन आर्मी, मेरा छोटा भाई आर्मी में सर्विस करता है, नौकरी करता है, जो सेवा करता है। तो इसमें पहले हम सब्जेक्ट कौन सा है, माई यंगर ब्रदर ये लिखा हुआ, एंड प्रेडिकेट जो अंडरलाइन किया हुआ सर्व्स इन द आर्मी उसको हटा दिया जाए, तो वट इज़ अंडरलाइंड दैट इज प्रेडिकेट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो मैंने देखा इसके अंदर नो हेल्पिंग वर्ब इज देयर, सो मेन वर्ब कौन सा, सर्व सेवा करना। तो चार चीज़ें आगे और एग्जांपल्स आएंगी तो हम ये चार चीज़ें जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका लिंक मेरे अगले लेसन के साथ है, तो हम थोड़ी थोड़ी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे। सेकंड एग्जांपल इज देवर टावर प्लेयर्स इन द स्कूल, सो इन दिस केस दे इज द सब्जेक्ट, वर टालर प्लेयर्स इन द स्कूल दे अंडरलाइन किया है इसको, अगर दे को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो चीज़ बची दैट इज प्रेडिकेट। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, इस सेंटेंस के अंदर व जोली आ रही जे पास सेंटेंस की बात होती है, वर वर इज देयर तो जे हेल्पिंग वर्ब है, एंड पास हेल्पिंग वर्ब इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। थर्ड इज द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द मॉर्निंग, तो इसमें क्या सन सूर्य क्या है हमारे ये सब्जेक्ट है, एंड प्रेडिकेट इज बट इज अंडरलाइंड। हेल्पिंग वर्ब मुझे नज़र आ रहा है वॉज शाइन, शाइनिंग शाइन करता है सूर्य, जो काम करता है चमकता है ज़्यादा, तो ये मेन वर्ब है शाइन। आगे चौथी एग्जाम्पल में ऑल स्टूडेंट्स डांस्ड वेल इन द स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स सारे काम करने वाले कौन है, ऑल स्टूडेंट्स हैं और वो डांस करते हैं, डांस करना एक एक्शन है, तो ये हमारा मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ए वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड, एक बहुत ही कीमती सोने का बना रिंग वाज फाउंड यस्टरडे, पिछले कल मिला, सो वैल्यूएबल रिंग मेड ऑफ गोल्ड दिस इज सब्जेक्ट, वाज इज द हेल्पिंग वर्ब एंड वाज फाइंड इज द मेन वर्ब एंड व्हाट इज अंडरलाइंड दैट इज प्रेडिकेट। सिक्स एग्जांपल, रीडिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, रीडिंग जैसे आपको वर्ब नजर आ रहा है इसका इंग लग गया है, तो इसको रीडिंग सब्जेक्ट कैसे बना, इसका क्या नाम है, आगे जाकर हम बताएंगे जब हम सब्जेक्ट्स के पार्ट करेंगे, जब हम प्रेडिकेट के पार्ट्स करेंगे। मेक्स ए मैन परफेक्ट दिस इज प्रेडिकेट, एंड मेक इज द मेन वर्ब हियर एंड हेल्पिंग वर्ब इज नॉट हियर। इन एग्जांपल नंबर 7 टू ड्रिंक इज ए बैड हैबिट, अब ड्रिंक मैंने पीना होता है वैसे, इसको हम वर्ब बोलते हैं मेन, पर साथ में टू लग गया तो इसका ये क्या बन गया, ये सब्जेक्ट कैसे बना, इसकी भी आगे जाकर बड़ी डिटेल्ड हम चर्चा करेंगे। इज ए बैड हैबिट दिस इज प्रेडिकेट एंड इज हेल्पिंग वर्ब एंड दिस सेंटेंस डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ मेन वर्ब। नंबर 8 इट इज मिडनाइट, इट क्या है सब्जेक्ट है, बाकी इज मिडनाइट दिस इज क्या, ये सारा हमारा प्रेडिकेट है, एंड इज द हेल्पिंग वर्ब हियर, इट इज एक्टिंग एज वर्ब। एंड दिस इज द नाइंथ एग्जांपल, देयर इज नो होप ऑफ हिज अराइवल, देयर यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड इज नो होप ऑफ हिज अराइवल दिस इज प्रेडिकेट, इज द हेल्पिंग वर्ब हियर। अब नौ सेंटेंसेस में एक चीज़ एक कंक्लूजन एक निष्कर्ष निकला कि जहाँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसे एक मेन वर्ब भी है और कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें मेन वर्ब नहीं है, और कई सेंटेंसेज मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो तीन कैटेगरी यहाँ निकली। पहली कैटेगरी जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब नहीं है, सेकंड कैटेगरी ये निकली जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, और अगली कैटेगरी जिसमें सिर्फ मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आगे जाकर हम जब एक लेसन जहाँ डिलीवर करेंगे कि सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस की बात, टेंस वर्ब की, मोडाल सेंटेंसेस की बात की जाएगी, तो वहाँ कैटेगरी में बताएंगे कि सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनको जिसमें एक्शन नहीं होता, और टेंस वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं
इसमें एक्शन होता है, और मोडाल जैसे शुड, वुड, कुड जब उनका यूज़ करते हैं तो उनका हम वो सेंटेंसेस बोलते हैं। आगे जाकर अलग अलग लेसन्स में हम ये डिटेल में बड़ी बड़ी ज़्यादा एग्जांपल लेकर इसकी हम चर्चा करेंगे, हर चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारी ये बात ख़त्म होगी, फाइंड आउट बात कर दी। अब और काम करने वाले हम, एक नोट लिखा ऊपर देखिए, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि आगे जाकर हम जब सब्जेक्ट से पार्ट्स करेंगे, प्रेडिकेट के पार्ट्स करेंगे, तो पता लगेगा कि ये जब सब्जेक्ट बड़े ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनता है तो अलग अलग शब्द का क्या नाम है। ऐसे प्रेडिकेट में अलग अलग शब्दों से मिलकर जो एक समूह सा बनता है उसमें अलग अलग शब्द का क्या नाम है, अलग अलग वर्ड का क्या नाम है, उसकी चर्चा अलग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट जब करेंगे इसके अगले लेसन में, तो वहाँ मुझे बातचीत करेंगे। सो फर्स्ट, माई यंगर ब्रदर सर्व्स इन आर्मी, थ्री 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 इज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन सब्जेक्ट एंड थ्री इज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन प्रेडिकेट। सिमिलरली सेकेंड, 1 6, 1 इज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन सब्जेक्ट एंड 6 इज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन प्रेडिकेट। सिमिलरली इन थर्ड, 2 6, इन फोर्थ, 2 5, 2 मीन्स फर्स्ट नंबर स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स इन सब्जेक्ट एंड द कॉमा इज देयर आफ्टर द कॉमा। सेकंड नंबर स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द प्रेडिकेट। नंबर फिफ्थ, 6 and 3, इन 6, 1 and 4, इन 7th, 2 and 4, इन 8th एग्जाम्पल 1 and 2, इन 9th एग्जाम्पल 1 and 6। तो इसमें हमने ये कुछ किया, हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे ताकि जो कन्फ्यूज़न है, ताकि इस लेसन में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिटेल से तैयारी कर लें, ताकि अगले लेसन में जिसको मैं थोड़ा फास्ट करा सकूंगा, ये बातें वहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी, आप बड़ी जल्दी इसको करेंगे। और एक स्लाइड मैंने और बनाई इसके लिए, और इसमें हम एग्जाम्पल ही करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्टली, फर्स्ट में हम फाइंड आउट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन ईच सेंटेंस। तो ये मैं जल्दी जल्दी करूँगा, क्योंकि पिछली स्लाइड 9 एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया है। तो ये 1, आइस मेल्ट्स, सो आइस इज सब्जेक्ट हियर एंड मेल्ट्स इज द प्रेडिकेट, देर इज नो हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब इज मेल्ट, डरना, जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये टेंस कौन सा है गस्कर? तो जब बच्चे, इतने भी मैंने एग्जांपल्स नहीं हैं, इन सब को ये बताएंगे ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कैसा है, ये पहले ही सोच सकते हैं इसके बारे में। एंड सेकंड एग्जांपल इज सम गर्ल्स वेप्ट, इसकी हिंदी क्या हो सकती है ये भी आप सोचेंगे। और सम गर्ल्स ये हमारा सब्जेक्ट है एंड वेप्ट इज द प्रेडिकेट, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इज वीप, वेप्ट, वेप्ट। सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है, तो ये कौन सा टेंस होता है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो टेंस कौन सा होता है जिसके हम वर्ब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म से ऐसे आई से लगाते हैं, या कई बार नहीं भी लगाते, फर्स्ट वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है। तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, आगे जाकर चर्चा होगी। माई एल्डर ब्रदर इज़ ए क्लर्क, मेरा बड़ा भाई एक क्लर्क है। तो सब्जेक्ट इज माई एल्डर ब्रदर एंड इज ए क्लर्क, प्रेडिकेट इज हेल्पिंग वर्ब एंड देयर इज नो मेन वर्ब। सब्जेक्ट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे बढ़िया मेथड क्या है कि पहले जो हेल्पिंग वर्ब आए या वर्ब आए उससे पहले जो इतना भाग हो वो सुबह हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। पर कई एक्सेप्शन आते हैं कि हमारे वर्ब आते हैं 2 के बाद, तो वहाँ वो उसका हम सब्जेक्ट नहीं मानते, इसकी भी हम आगे जाकर आपको बताएंगे। टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, बड़ों की आदर करना ये हमारा कर्तव्य है। इसमें मेन वर्ब नहीं है, अब आपके मन में आता कि रिस्पेक्ट मेन वर्ब है, पर उसका आगे 2 लग गया, और ये कैसे सब्जेक्ट बना अगले लेसन में चर्चा की जाएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट क्लासीफाई किए गए,
नंबर फिफ्थ एग्जाम ए फ्रेंड इन नीड एज अ फ्रेंड इन नीड. फ्रेंड इन नीड इज देखो दे ए फ्रेंड इन नीड इससे पहले दिस इज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट. हेल्प नंबर इज हियर एंड देयर इज नो मेन वर्ब. नंबर सिक्स टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स विल बी हिज हॉबी. तो सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट अलग अलग नज़र आ रहे हैं हमें. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी और इसमें मेन वर्ब नहीं है. अब आपके मन में टेकिंग टेक अब टेकिंग ये इसको मेन वर्ब क्यों नहीं मानते. तो ये क्या है इसका भी और ये क्यों सब्जेक्ट एज एज सब्जेक्ट क्यों ये वर्क कर रहा है इसकी भी चर्चा की जाएगी. नंबर सेवन इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड. इट इज सब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट इज प्रेडिकेट. Was is the helping verb of past. Here, there lived a saint in cottage. So there is subject, live main verb, and this is predicate. There is no helping verb. We were good friends. We is the subject, predicate were good friends, and were is the help. हेल्पिंग वर्ब देर इज नो मेन वर्ब. सेंटेंस तीन टाइप के निकले इसमें एक मेन वर्ब नहीं होता. उसको उनकी इंग्लिश कैसे बनती है और उसकी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश और जो इसमें मेन वर्ब होता है उसमें हम इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनता है उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है बड़ा अच्छा विषय है जी. तो सीखेंगे धीरे धीरे. वही काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इन द फर्स्ट वन वन in second two one two the first letter first number stands for the number of words in subject and the second after comma stands for the number of words in predicate. Two one like 3 3 in fourth 4 3 in fifth sentence 3 4 in sixth sentence 5 3 in seventh sentence 1 4 in eighth example 1 6 in ninth example 1 3. अब दो मैंने 18 एग्जांपल ली. ज़्यादा एग्जांपल लेने का सिर्फ मेरा एक आइडिया कि आप हर चीज़ बड़ी क्लियर कट समझ आ जाए. वैसे 9 एग्जांपल से बात बन चुकी थी पर और प्रैक्टिस करके बच्चे छोटे हैं छठी वाले बच्चे भी इसको सीखेंगे सातवीं वाले. आप लिखिए कॉपी के ऊपर लिखिए फिर सोचो कि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग क्या चीज़ें हैं कहाँ से वर्ब निकल रहा है कहाँ से क्या रहा. अगर ये बातें हम समझ मैं बताऊँ इंग्लिश में सिर्फ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब. अगर दो बातों का पता लग जाए तो हमें लिखनी भी इंग्लिश आसान लगती है और हमें बोलनी भी आसान लगती है बाकी सब इजी होता है. होमवर्क मैंने बोला है बच्चों को आज मैंने सुबह मैसेज किया था कि आपको होमवर्क मैं अलग से नहीं दूंगा वीडियो के अंदर ही आपको ये होमवर्क नज़र आएगा. आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो. तो मैं थोड़ा सा बताऊँगा होमवर्क मैंने आज क्या दिया आपको. फाइंड आउट द फॉलोइंग 7 थिंग्स इन ईच ऑफ द 10 सेंटेंसेस गिवन देयर आफ्टर. सब्जेक्ट का पता करना आपने सेंटेंस से लेकर फिर प्रेडिकेट का पता हेल्पिंग वर्ब का पता करना मेन वर्ब उसके अंदर से पता करना अगर है तो नहीं है तो तभी बताना. नंबर ऑफ वर्ड्स इन सब्जेक्ट बताना नंबर ऑफ वर्ड्स इन प्रेडिकेट बताना. आसो ट्रांसलेशन इन हिंदी आपने सिर्फ कोशिश करनी. मैं ऐसे मान के चलता हूँ मैं अपने आप को ऐसे मान के चलता हूँ कि ये नहीं पता हमें अभी तक हमें सेंटेंस इंग्लिश बनानी नहीं आती अभी हम तो सिर्फ सर्च कर रहे हैं इसमें से कौन सी क्या चीज़ होती है. मगर फिर भी आप कोशिश करिए ये बताना है ये कौन सा टेंस है और इसकी हिंदी की बड़े बच्चे भी हैं इसमें तो ये आप कोशिश कर सकते हैं कि इसकी हिंदी क्या है ये टेंस कौन सा है. बेस्ट ऑफ लक. तो मैं थोड़ी क्योंकि समय के साथ साथ मैं भी काफ़ी सीख गया हूँ अगर पहले लेसन और फोर्थ लेसन का कंपैरिजन किया जाए तो इसकी प्रेजेंटेशन इसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी समय लगाया है काफ़ी यूट्यूब में सीखा है कईयों से पूछा है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी हो ताकि बच्चे उसमें बोर ना हो. तो इसमें हम ब्रीफिंग में ब्रीफिंग करनी है कि हमने चौथे लेसन में क्या किया थोड़ा सा एंडिंग करना है इसका. पहले हमने किया सेंटेंस एंड इट्स टू मेन पार्ट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये ब्रीफ डिस्कशन की इसके अंदर. नंबर टू सर्च फॉर हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स इन सेंटेंसेस एंड काउंटर द नंबर ऑफ वर्ड्स इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन सेंटेंसेस ये हमने काम किया. अब मैं प्लीज स्पेयर टाइम टू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड सजेशंस रिगार्डिंग दिस लेसन. ये लेसन आपको कैसा लगा आपको कितना समझ आया
अगर आप बुक में पढ़ते तो आपको कितना समझ आना था, अगर आपको अगर टीचर पढ़ता तो आपको अभी तक जो आप पढ़े हैं तो वहाँ तक आपको कितना पता लगा था, और आज इसमें कितना आपको और नया पता लगा उसके बारे में आप जरूर कमेंट देंगे, मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट डिलीवरी हमारी क्या होगी, यही मैंने एंड इसमें रखा है कि आगे के लिए लेसन हम 5 करेंगे, उसमें हम क्या करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ये जनरल डिस्कशन उसमें करेंगे। ये हम पार्ट्स की बात की कि अलग अलग शब्द होते हैं इसके अंदर, सब्जेक्ट के अंदर उनके अलग अलग क्या क्या नाम होते हैं, ऐसे प्रेडिकेट के अंदर अलग अलग शब्द होते हैं उसके क्या क्या नाम होते हैं। जिस बच्चे को एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग शब्दों का पता लग जाए कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ग्रामर के अनुसार, तो कभी आप मिस्टेक नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। टू एरेज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, इंसान गलती कर सकता है, भगवान सिर्फ माफ़ी करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।